किचन आज बनने जा रही है मुहर्रम स्पेशल खीर, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएगी और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कप तुलसी फूल चावल को वॉश कर लिया है और अब हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। एक टेबलस्पून तेल डाल देंगे कढ़ाई में या फिर एक टेबलस्पून घी, और तेल गरम हो जाने पे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। आप अपने मन पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, हमारे पास तीन ही ड्राई फ्रूट्स मौजूद थे तो हमने इसे रोस्ट करा है। थोड़ी सी तेल बच गई है तो उसमें चावल को भी रोस्ट कर लेंगे। करने के बाद चावल का कलर भी आ गया है और चावल अलग लग भी रही है। तो अब इसमें फुल क्रीम वाली दूध डाल देंगे जो कि 1 लीटर है। इसमें थोड़ी सी केसर डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर या फिर इलायची डाल दें। अब इसे चावल गलने तक पकने देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इसे चलाते रहेंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसे मिक्सी में थोड़ा दरदरा कर लेंगे। दरदरा करके डालने से टेस्ट अलग आएगा और बहुत ही खूब आएगा। ड्राई फ्रूट्स दरदरी पिस चुकी है। चावल गल चुकी है। मैंने इसी कप से चावल रखा था तो इसी कप से 1 कप चीनी डाल देंगे। अगर आप कुछ मीठी ज्यादा पसंद है तो ज्यादा चीनी डाल दें अपने अकॉर्डिंग।
अब चावल को चीनी घुलने तक पकाएंगे। चीनी घुल चुकी है तो अब 2-3 मिनट और बना लेंगे इसे लो फ्लेम पे। अब हम खीर में थोड़ी सी केवड़ा की पानी डाल देंगे जिससे बहुत ही बेहतरीन खुशबू आएगी। खीर कंप्लीट हो चुकी है तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो हमने दरदरा पीसा था। ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे खीर में। अब गैस को बंद कर लेंगे और खीर को सर्व कर लेंगे। मुहर्रम स्पेशल खीर बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है और बनकर बहुत ही लाजवाब तैयार हुई है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और कम समय में बेहतरीन खीर बन जाएगी। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं कि कैसी बनी है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।